सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैनकोड ECS T10 मेलमो सीरीज के जो मैच नंबर 25 खेला जाएगा MAM वर्सेस LAN के दरमियान में। दोस्तों, इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे। MAM और LAN की टीम ने अभी तक इस सीरीज के जितने भी मैचेस खेले हैं सारे मैचेस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। MAM की टीम ने एक मैच कंप्लीट खेला है, दूसरे मैच की बात करेंगे दोस्तों तो कंप्लीट नहीं हुआ था बारिश के कारण, लेकिन पहले मैच में ही हालांकि लॉस किए दोस्तों। और इस सीरीज के खेले गए मैचेस में कौन से खिलाड़ी ने ओपन किया है, प्लस आपको गेंदबाजी भी करते हुए दिखे हैं दोस्तों जितने भी खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको सारे डिटेल्स आपको देने वाला हूं दोस्तों कि कौन से खिलाड़ी आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं इस मैच के लिए, जिसके मदद से आज यहां पर ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के शानदार टीम तैयार कर सकते हो। गाइस, कौन से ग्राउंड पर यह मुकाबला होगा, यहां का पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, कौन से टीम के जीतने के ज्यादा चांस रहेंगे, उस टीम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी को अपने टीम में ट्राई करने वाले हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको आज मिल जाएगा इस वीडियो में इस मैच का दोस्तों। तो अगर आप इस मैच में एक शानदार टीम तैयार करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना ताकि इस मैच का आपको सारे न्यूज मिल पाएगा और आप यहां पे शानदार टीम तैयार कर पाओगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना गाइस, ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूं आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचे और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि यहां पे आफ्टर टॉस होने वाले कोई भी चेंजेस होता है हमारे फाइनल टीम में तो टीम आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है अपडेट करके। तो इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो, कोई अगर नए खिलाड़ी इन करते हैं, किसी खिलाड़ी को अगर यहां पे ड्रॉप करेंगे तो फाइनल टीम आपको अपडेट करके मिल जाएगा लाइनअप आने के बाद। 20,000 प्लस यूजर ने ज्वाइन भी कर लिया है तो आई थिंक आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, यानी दो जगह लिंक है, कहीं भी क्लिक करो और इस ग्रुप को इजी ज्वाइन कर लो। उम्मीद करते हैं आपने ज्वाइन कर लिया होगा दोस्तों ये वीडियो, ये दोस्तों ग्रुप आपके ही हेल्प करने के लिए बनाया गया ताकि मैं आपको आफ्टर टॉस होने वाले कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो आप, मैं आपको मदद कर पाऊं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे दोस्तों यहां पे सबसे पहले पिच रिपोर्ट से। दोस्तों, आपको पता ही होगा सीरीज के सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पे होने वाले हैं, यहां का अगर आप पिच देखोगे दोस्तों तो बैट्समैन के लिए काफी बढ़िया पिच रहा है, लेकिन बॉलर्स ने भी काफी कमाल के विकेट निकाले लास्ट के कुछ मैचेस में। तो यहां पे चलिए बढ़ेंगे आगे और यहां पे दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे MAM के खेले गए यहां पे दोस्तों जिस प्रकार मैचेस हुए हैं। पहले मैच में देख सकते हो यहां पे लॉस करते हुए दिखे, यहां पे जो ओपन करते हुए नजर आए हैं, अब देखो सबसे पहले अगर देखोगे यहां पे गाइस रसेगा के बारे में, जो कि टीम के पहले मैच में इनको फोर्थ राउंड पे भेजा गया था, फिर ओपन करते हुए दोस्तों यहां पे देखा गया है दूसरे मैच में, यानी कि जो कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन कुछ ओवर हुआ है जिसमें से ओपन करते हुए 13 रन का पारी खेला है। देखो, इस खिलाड़ी को ले सकते हो अपने टीम में, सेफ रहोगे अगर लेते हो अपने टीम में, क्योंकि टीम का टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी इस मैच में भी आपको करते हुए दिखने वाले हैं। वहीं अंकित गुप्ता के बारे में बात करेंगे, टीम के सेकंड राउंड का खिलाड़ी है जिसमें से 24 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। अब बेंटिव की बात करेंगे, स्टैट्स कुछ खास उनको ड्रॉप करते हुए चलेंगे, दोनों टॉप ऑर्डर का बैट्समैन अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी रिजवान अशरफ के बारे में बात करेंगे, टीम का फर्स्ट रन का खिलाड़ी है, पहले मैच में 13 रन स्कोर किए थे, दूसरे मैच में 14 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं। तो दोस्तों, ये भी खिलाड़ी आपके लिए मोस्ट एंड हाई इंपॉर्टेंट विकल्प रहने वाला है, इस खिलाड़ी को आप मिस नहीं कर सकते हो, अपने टीम में जरूर ट्राई करना अगर यहां पर आप सेफ टीम क्रिएट कर रहे हो। बाकी धीरज के बारे में बात करेंगे, टीम के ओपनर बल्लेबाज है, पहले मैच में 39 रन स्कोर किए थे जिसमें से 2 विकेट इन्होंने निकाले 23 रन खर्च करते हुए, फिर यहाँ पे 14 रन का पारी खेला है। दोस्तों, इस खिलाड़ी को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अपने टीम में लेने वाले हैं। रीजन आपको पता ही होगा कि टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन प्लस आपको यहाँ पे 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखने वाले हैं इस मैच में, तो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करेंगे संबित के बारे में, तो ये भी टीम के ओपनर बल्लेबाज है, पहले मैच में 19 रन उन्होंने स्कोर किए दोस्तों, ये भी खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों स्टार्टिंग के, मैंने यहाँ पे जो 4 खिलाड़ी आपको बताया है ये चारों आपके टीम में होने आज आपके लिए जरूरी रहेगा। बाकी गोपी कृष्णा को अभी तक बैटिंग बॉलिंग का मौका नहीं मिला है। सवाज की बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं जिसमें से 27 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला है। उस्मान साफी जो थर्ड डाउन पे बल्लेबाजी करते हुए 10 रन स्कोर किए थे, 25 रन खर्च किए, इसमें हालांकि विकेट नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन वही बात करेंगे दोस्तों अदम सटिन के बारे में, दोस्तों इनका स्टेट्स आपके सामने, 25 रन खर्च करते हुए 1 विकेट निकाले हैं। दूसरे मैच की बात करेंगे दोस्तों फराज मुनीर के बारे में, जिसमें से 17 रन खर्च करते हुए 1 विकेट चटकाए हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन दोनों बॉलर को आप मिस नहीं कर सकते जो पूरे 2-2 ओवर आपको गेंदबाजी करते हुए दिखने वाले हैं। तो यहां पे दोस्तों, यहां पे MAM की टीम ने जिस प्रकार खेले सारे डिटेल्स आपके सामने, लेकिन सेकंड टीम के बारे में बात करेंगे यानी कि LAN के टीम के बारे में, तो इसमें जो ओपन करते हुए दिखे हैं जो कैप्टनसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले और अधिक से अधिक सिलेक्शन इनको मिला हुआ है, रीजन मैं आपको बताता हूं। जो कि यहां पे गाइस ओपनर बल्लेबाज है, देखिए तो पहले मैच में 22 रन, दूसरे मैच में 46 रन का पारी खेल दिया है, और पहले मैच में 3 विकेट निकाले, दूसरे मैच में यहां पे 1 विकेट चटकाए हैं। इस खिलाड़ी की बात करेंगे तो टीम के ओपनर बल्लेबाज प्लस 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे इस खिलाड़ी के, ये जो इस टीम के ये खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कैप्टनसी के लिए, इनको
जिनको हम लोग ट्राई करने वाले हैं। बाकी नदीम के बारे में बात करेंगे जो चार नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 16 रन स्कोर किए हैं। वहीं अगर बात करेंगे साई कृष्णा के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों इनका स्टेट्स आपके सामने, जो कि फर्स्ट रन पर बल्लेबाजी करते हुए 6 रन, दूसरे मैच में यहाँ पे देखोगे तो 8 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, टॉप पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। ये नहीं कि अभी तक दो मैच में कुछ खास स्कोर नहीं किए तो इनको नज़रअंदाज करते हुए जा सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन याद रखना, कभी भी ये अच्छा खासा पारी खेल सकता है, एक्सपीरियंस इनके पास भी है। बाकी सागर के बारे में बात करेंगे, टीम का सेकंड राउंड का खिलाड़ी है, पहले मैच में 1 रन 1 विकेट निकाले, दूसरे मैच में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहे हैं। वहीं जमन के बारे में बात करेंगे, टीम का थर्ड राउंड का खिलाड़ी है, पहले मैच में 15 रन, दूसरे मैच में हालांकि फ्लॉप रहे। ये खिलाड़ी मयंक चौहान जो कि 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पहले मैच में 7 रन, दूसरे मैच में 14 रन खर्च किए थे, विकेट इसमें नहीं मिला है। वहीं बात करेंगे रमेश के बारे में दोस्तों, तो इनका स्टेट्स आपके सामने, टीम के ओपनर बल्लेबाज है, पहले मैच में ओपन करते हुए फ्लॉप, दूसरे मैच में 36 रन का पारी खेला है। अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन अच्छे खासे पारी खेल सकता है दोस्तों। अब बाकी बात करेंगे सुशांत कुमार जो कि पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में हालांकि ये बंदा फ्लॉप रहा है। वरुण के बारे में बात करेंगे, पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में भी इनको 1 विकेट मिला है। देखो ये कंप्लीट 2 ओवर आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और एज ए बॉलर देखोगे तो ये खिलाड़ी आपके टीम में होने जरूरी रहेंगे। बाकी बात करेंगे अनिकेत के बारे में, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 9 रन बना के 1 विकेट चटका है, दूसरे मैच में हालांकि ये बंदा फ्लॉप रहा है। अमृतांशु सिंह जो कि पहले मैच है तो फ्लॉप, दूसरे मैच की बात करेंगे दोस्तों तो इनको 2 विकेट मिला है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एज ए बॉलर देखोगे तो ये भी कंप्लीट आपको 2 ओवर बॉलिंग करते हुए देने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे LAN और दोस्तों यहाँ पे MAAM के जितने भी खिलाड़ी हैं, सारे खिलाड़ी के डिटेल्स आपके सामने इस वीडियो में देख सकते हो दोस्तों। और सारे खिलाड़ी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक बेस्ट टीम तैयार किया है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक वाला बटन प्रेस कर दो दोस्तों, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से सारे प्लेयर्स का स्टेट्स लाते रहता हूँ। और इसी प्रकार का अगर स्टेट्स आपको पसंद है, आने वाले मैचेस का वीडियो चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले मैचेस का मैं वीडियो जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन मिलेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बेसिस पे एक बेहतरीन टीम की ओर बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग विकेट कीपर से, जो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ए गुप्ता। MAAM के टीम की तरफ से इनका बैटिंग ऑर्डर मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, जो कि टीम का सेकेंड राउंड का खिलाड़ी है और हाई इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो को शुरू से देखा है, उम्मीद करते हैं आपने शुरू से देखते हुए आ रहा है, तभी आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि सारे डिटेल्स यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर के साथ सारे खिलाड़ी का मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा है। तो दोस्तों जिसको मैंने हाई इंपॉर्टेंट बताया सिर्फ और सिर्फ उसी खिलाड़ी को अभी यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं, जो ए गुप्ता बहुत ही सुपर बैट्समैन है और MAAM टीम की तरफ से इस खिलाड़ी को ट्राई करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो मैंने 5 बैट्समैन को आज ट्राई किया हुआ है। रीजन आपके पास होगा क्योंकि टीम का गैस यहां पे पांचों गैस यहां पे मेन खिलाड़ी अगर आप देखोगे दोस्तों, आर अशरफ जो कि बात करेंगे MAAM के टीम की तरफ से टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, इनका बैटिंग ऑर्डर के साथ स्टेट्स मैंने बताया और हाई इंपॉर्टेंट बताया है। कैप्टनसी के लिए देखो दोस्तों, इनको वाइस कैप्टनसी के लिए हम लोग ट्राई करने वाले हैं। कैप्टनसी के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि कैप्टनसी के लिए किसके साथ जाएंगे, रीजन भी मैंने आपको बताया था और इसके पीछे गैस यहां पे कौन से खिलाड़ी यहां पे कैप्टन के लिए रहेंगे। एक दो और भी ऑप्शन मैंने आपको यहां पे देने वाला हूं, जिसके मदद से जीएल में भी आप यहां पे 6 टीम इजी क्रिएट कर सकते हो। यहां पे ए अशरफ भी बहुत ही सुपर बल्लेबाज है, चाहो तो जीएल में अगर आप 6 टीम क्रिएट कर रहे हो तो एक टीम में वाइस कैप्टनसी के साथ जा सकते हो। बाकी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आयरिजा की बात करेंगे दोस्तों, कैप्टनसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला रीजन मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, टीम का ओपनर बल्लेबाज प्लस आपको पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए देने वाले हैं। एस मोहम्मद की बात करेंगे तो LAN की टीम की तरफ से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, MAAM की टीम की तरफ से इस खिलाड़ी को लेते हुए चलेंगे। 5 बैट्समैन को फिलहाल अपने टीम में करते हैं। बाकी ऑलराउंडर की बात करेंगे दोस्तों तो दो यहां पे एक ऑलराउंडर को मैंने लिया हुआ है LAN के टीम की तरफ से, जो बैटिंग प्लस बॉलिंग ये करते हुए दिखेंगे। देखो यहां पे कुछ खास स्टेट्स है नहीं, बाकी खिलाड़ी का एम चौहान को चाहो तो जीएल में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग से फिलहाल इनको ड्रॉप करते हुए चल रहे हैं। बाकी बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन के बारे में तो 4 बॉलर आपके टीम में होने जरूरी है, जिसमें से देखोगे ए सटिन जो कि गाइस MAAM की टीम की तरफ से पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखने वाले हैं। LAN की टीम की तरफ से दोस्तों इन्होंने काफी बढ़िया विकेट चटकाए हैं, कंप्लीट अभी तक देखोगे तो इन्होंने गाइस LAN की टीम की तरफ से मेन बॉलर साबित हुआ है, काफी बढ़िया बॉलिंग करते हुए दिखा है, डेथ ओवर बॉलर भी है, इस खिलाड़ी को मिस नहीं कर सकते हो। LAN के टीम की तरफ ए सिंह को भी लेते हुए चलेंगे और दोस्तों यहां पे एफ मोरे को लेंगे जो कि बहुत ही सुपर बॉलर है दोस्तों। यहां पे मैंने फिलहाल अगर देखो मेरे हिसाब से टीम प्रीव्यू तो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी की बात करेंगे तो जिस प्रकार मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था दोस्तों कि आयरिजक सबसे बेहतरीन चॉइस रहने वाला है कैप्टनसी के लिए। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहां पे दोस्तों पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे प्लस आपको टीम के ओपनर बल्लेबाजी करते हुए दिखने वाले हैं और सेम चीज वाइस कैप्टनसी के
लिए भी दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, जो कैप्टेंसी के लिए भी इनको चाहो तो ले सकते हो जीएल में, अगर आप चाहो दोस्तों तो रिवर्स भी करते हुए जा सकते हो, यानी कि इनको कैप्टेंसी के लिए ले सकते हो एक टीम में और इनको ले सकते हो जीएल में। अदरवाइज अगर यहाँ पे सेफ टीम तैयार करना चाहते हो, हेड टू हेड खेल रहे हो या फिर स्मॉल लीग की टीम क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे कैप्टेंसी के लिए इनको ईजी आप ले सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरा सेफ टीम है। इसमें अगर किसी प्रकार के अगर चेंजेस आएंगे तो मैं आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल भी मिस मत करना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया गया है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।